करने वाली चीज़ें हुई इनके अलावा बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अगर शनिवार का दिन है तो हमें तेल नहीं खरीदना है या लोहा नहीं खरीदना है ये तो एक दो प्रमुख चीज़ें मानी जाती हैं लेकिन इनके अलावा ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए बहुत सुंदर सही मायने में हमें शनिवार के दिन किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित कोई भी वस्तु खरीदकर अपने घर में लानी ही नहीं चाहिए सवाल यह नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव का स्थान शुभ था या अशुभ था आपको शनि दशा चल रही थी या नहीं चल रही थी प्रश्न यह है कि शनिदेव से संबंधित जितनी वस्तुएं होती हैं वो शनिवार के दिन त्यागने योग्य होती हैं छोड़ने योग्य होती हैं दान देने योग्य होती हैं विसर्जन के लिए होती हैं ना कि खरीद कर लाकर घर में संकलित करने के लिए होती हैं शनिदेव का पहले तत्व समझिए कि वह एकदम स्टेबिलिटी वाले हैं वह स्थिर प्रकृति वाले हैं एक जगह रुके तो ढाई साल की फुर्सत उनके लिए आपको जो चीज़ चलायमान है जो चीज़ अस्थिर है जो चीज़ चंचल है वो शनिवार के दिन लाकर गलती नहीं करना चाहिए छोटा सा उदाहरण जैसे मान लीजिए वाहन अब वाहन का जो चलाने का क्रम है वो है दौड़ते रहना यदि वाहन एक जगह ठहर जाएगा नहीं चलेगा वो खूटी से बांधे जैसा पार्किंग में खड़ा कर दिया जाएगा तो वह गाड़ी खराब हो जाएगी इंजन बिगड़ जाएगा और रखे रखे भी गाड़ी आपको सही उपयोग में नहीं आ पाएगी वाहन तब तक अच्छा है जब तक वह चल रहा है आप उसे चला रहे हैं तो वाहन जैसे कोई भी साधन को आप शनिवार के दिन नहीं खरीद सकते क्योंकि शनिवार के दिन खरीदी गई मशीनरी खरीदा गया वाहन बहुत लंबे समय का फल नहीं देता और बहुत जल्दी ख़राब होने की गुंजाइश होती है और इतना ही नहीं खरीदी गई वह वस्तु जल्दी विक्रय भी नहीं होती क्योंकि शनिवार का संबंध जो है वो स्थिरता से है स्टेबिलिटी से है तो जिस चीज़ को हमें नई बदलना है बार बार नया लाना है और उसे दौड़ाना है खड़ा करके नहीं रखना है ऐसी चीज़ों को हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना है लोहे से संबंधित कोई भी मशीनरी हो फैक्ट्री से संबंधित हो या घर में उपयोग में लाने वाली कोई भी चीज़ हो हमें कभी भी शनिवार के दिन खरीद कर अपने घर में नहीं लाना चाहिए यदि हम लोहे से संबंधित किसी भी धातु को खरीद कर घर में लेकर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम शनि को लेकर आते हैं पीड़ा को लेकर आते हैं जब तक वो चीज़ हमारे यहाँ पर रहती है चार बार हमें फ़ायदा देती है और एक बार इतना बड़ा नुकसान देती है कि बिगड़ जाने के बाद सारा खर्चा हमसे ले लेती है इसी प्रकार से लोहे से ए, के अलावा जब कभी भी हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं डीजल डलाते हैं तो सच मानिए तो मैंने रिसर्च पर ये पाया है कि शनिवार के दिन यदि हम गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं डीजल डलाते हैं या मिट्टी तेल खरीदते हैं तो हमें नुकसान ज़्यादा होता है हमारी गाड़ी नुकसान ज़्यादा करती है ज़्यादा उसमें खर्चा आता है इसलिए हमें कभी भी शनिवार के दिन गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं डलाना चाहिए हम पकाने का तेल यदि शनिवार को लाते हैं मैंने तो एक बड़ा रिसर्च किया है कि यदि आपको घर में झगड़े कराने हैं तो पकाने का तेल आप घर में लेकर आ जाइए कह दीजिए घर में तेल नहीं आएगा तो घर में खाना नहीं बनेगा अब घर के लोग तेल लेकर आपको ला कर देंगे आप घर में शनिवार के दिन के लाए गए तेल का खाना पकाना प्रारंभ करेंगे फिर देखिए तमाशा जब तक वो तेल घर में चलेगा खाना पकाने के रूप में या किसी भी रूप में तब तब घर में विरोध विवाद भी पलेगा कहीं ना कहीं तो उसका असर हमारे भोजन पर आने वाला होता है इसलिए कहा गया है कि आपको यदि दिया जलाना है तब तक तो ठीक है कि शनिवार के दिन वो तेल ले लिया या देवों पर चढ़ाना है या कहीं दान करना है तब भी ठीक है कि आपने छोड़ने त्यागने दान के लिए वह तेल ले लिया पर आप अपने पर्सनल यूज के लिए वो चीज़ लेते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है तो शनिवार के दिन आप शनि से संबंधित कोई भी काला वस्त्र मत लाइए चप्पल और जूते तो कभी मत खरीदिए यदि मान लीजिए किसी को दुश्मन को आपको पता ना चले और धीरे से उससे बदला यदि लेना है तो आप देखिए उसे बड़े प्यार से शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करके या जूते चप्पल पहना के ले सकते हैं ये बदला जब तक शनिवार के दिन की खरीदी गई जूते या चप्पल की पहनाने की जो भी चीज़ उसे दी जाएगी यानी शनिवार के दिन आपने उसे जूते या चप्पल ख़रीद कर पहना दिए और उसने भी बड़े शौक से पहन लिए उसे भी लगा कि मेरा सामने वाला व्यक्ति मुझ पर बड़ा कृपालु है देखो मुझे जूते और चप्पल नए खरीद के दिए हैं उसे नहीं मालूम कि शनिवार के दिन जो जूते चप्पल खरीद के दिए गए हैं वो जब तक पहने जाएंगे तब तक शरीर की पीड़ा को बढ़ाने का काम करेंगे तो हमने दिखावे के लिए भले ही अच्छा किया हो पर हकीकत में वो होने वाला बुरा होता है शनिवार के दिन यदि हम किसी को जूते चप्पल का दान करके खरीद कर देकर उसे पहनाते हैं तो वह व्यक्ति जो खरीदता है जो व्यक्ति पहनता है वो शनिवार के दिन का नुकसान जरूर भोगता है इसलिए हमें खुद को भी ख़रीद कर नहीं पहनना है और खरीद कर किसी और को भी नहीं पहनाना है हम दूसरे को कष्ट भला क्यों दें यही तो इंसानियत है तो शनि पीड़ा निवारण के लिए आपको इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आप शनिवार के दिन क्या करें क्या ना करें जो नहीं करें उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है शनिदेव से संबंधित कोई भी वस्तु है कोशिश कीजिए कि अपने दैनिक उपयोग के लिए शनिवार के दिन खरीद कर घर में ना लाई जाए कोई भी मशीनरी और कोई भी वाहन शनिवार के दिन ना खरीदा जाए अब आप भविष्य में चाहते हैं कि हम शनिवार के दिन आखिर खरीदें क्या करें क्या इसका उपयोग कैसे करें आप अपने घर के वास्तु को बनाइए शनिवार के दिन प्रवेश कीजिए आप अपने घर में जो भी आपका स्थायित्व रखने वाली सोना चांदी या गहने या कोई भी चीज़ें हैं उन्हें शनिवार के दिन खरीदिए प्रॉपर्टी का नाम आप शनिवार के दिन अपने नाम चढ़ाइए जैसे हम रजिस्ट्रेशन करना कहते हैं शनिवार के दिन किसी एग्रीमेंट पर साइन कीजिए शनिवार के दिन एंगेजमेंट की तारीख या शादी की तारीख निकालिए शनिवार के दिन किसी ऑपरेशन की डेट निकालिए डॉक्टर ने यदि सुनिश्चित तय किया है कि आपका ऑपरेशन होना या किसी मरीज का ऑपरेशन होना किसी रोग से मुक्ति के लिए ज़रूरी है तो सिर्फ शनिवार का दिन चुनिए निश्चित रूप से आपको बड़ी तकलीफ छोटा रूप बन जाएगी और वह बीमारी परमानेंट टल जाएगी आपको बार बार उस बीमारी को लेकर तकलीफ़ नहीं होगी या ऑपरेशन फेल होने की संभावना नहीं होगी या दोबारा ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा